कुल्लू जिला दुनिया भर में अपनी अलग देव संस्कृति व देव परंपरा के लिए जाना जाता है, जिसका उदाहरण लोहड़ी के बाद कुल्लू घाटी में मंदिरों में मकर संक्रांति के दिन देखने को मिला। पेश है एक रिपोर्ट। देवभूमि कुल्लू में सैकड़ों देवी देवता की अपनी अपनी अलग कहानी है। जहां घाटी के कुछ देवी देवता पूरा साल अपने भक्तों के रंग में दिखते हैं, तो वहीं कुल्लू जिला के अनेकों क्षेत्रों में दिसंबर यानी पोष माह में देवी देवताओं के मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं। लोगों का मानना है कि 15 दिसंबर के आसपास कुछ देवी देवता स्वर्ग प्रस्थान कर जाते हैं, तो कुछ गहन समाधि या विश्राम करने चले जाते हैं। साल के एक डेढ़ महीने तक मंदिरों में देवी देवताओं के सोने चांदी के मोहरों को उतारकर या कपड़े का पर्दा लगाकर देवी देवताओं को आराम करने के लिए छोड़ मंदिरों में बंद कर दिया जाता है। माना जाता है कि देवता इन दिनों अपने 10-11 महीनों में लोगों को भलाई के लिए लगाई गई शक्ति को फिर से हासिल करने के लिए स्वर्ग जाते हैं। तपस्या करते हैं, लेकिन देवताओं को तपस्या करने के लिए थोड़ा सा, क्योंकि जो देवता है या जिस प्रकार के देवता हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, 18 कटुआ, अनेकों प्रकार के देवता हैं, तो इनको भी समय चाहिए होता है तपस्या के लिए। और ये फाल्गुन के मास तक अनेकों जगह ये परंपरा है कि कई जगह तो रथ से देवता के सारे मुख मोरे हटा के, जो कि सोने और चांदी के बने होते, उनको बंद कर देते हैं। कई जगह देवता पर पर्दा डाल देते हैं ताकि देवता भी कहीं ना कहीं तपस्या करे, ताकि उसकी शक्ति बनी। एक मत ये माना जाता है कि 2 महीने राक्षसों के लिए दिए जाते हैं, भगवान 2 महीने राक्षसों के लिए दिए हैं। उस दौरान देवता लोग सारे स्वर्गलोक में, इंद्रपुरी में जाते हैं, इंद्र की चाकरी में, और पीछे रह जाते हैं राक्षस। इसीलिए आजकल दिवाली वगैरह जो उत्सव होते हैं, इसलिए मनाया जाता है। उसमें राक्षसों की तरह गालियाँ दी जाती हैं, उनकी तरह नाच किया जाता है। दूसरा मत ये है कि देवता 10 महीने लोगों के काम कर करके थक गए होते हैं। उधर घाटी में देवी देवताओं के स्वर्ग प्रवास के बाद माना जाता है कि राक्षस प्रवृत्ति की शक्तियां धरती पर उतर आती हैं, और उन्हें भगाने के लिए लोग स्वयं आग की मशालें जलाकर जोर जोर से गालियां इत्यादि देकर देवी देवताओं की गैर हाजिरी में राक्षसों को भगाते हैं। मान्यता अनुसार मकर संक्रांति के बाद प्रवास पर गए देवी देवता इंद्रदेव की सभा में देवी देवता वापस आने प्रारंभ हो जाते हैं और मंदिरों में धार्मिक आयोजन होते हैं। कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। शिमला में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ के महासचिव बीएस चौहान ने कहा, किसानों, मजदूरों, आंगनबाड़ी, मिड डे मील वर्कर, आशा वर्करों के साथ साथ पीटीए और कंप्यूटर शिक्षकों की मांगों को प्रमुखता से उठाया जाएगा और सरकार को उनके लिए ठोस नीति बनाने के लिए प्रस्ताव रखा जाएगा। बीएस चौहान ने कहा कि रविवार को जिला शिमला और प्रदेश खेतीहर किसान मजदूर यूनियन की कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें सरकारी व गैर सरकारी संगठन से जुड़े लोगों को इसमें जोड़ा गया। उन्होंने कहा कि 108 सदस्य जिला शिमला की कार्यकारिणी किसानों, मजदूरों, आंगनबाड़ी, मिड डे मील वर्कर, आशा वर्करों के साथ साथ पीटीए और कंप्यूटर शिक्षकों के मुद्दे को प्रमुखता से उठाएगी और सरकार को इनके लिए नीति बनाने का आग्रह करेगी। लगभग सारे वर्ग को जो है जिला शिमला इंटक ने सारे वर्ग को अध्यक्ष बनाए, जैसे कि आंगनबाड़ी, वाटर कैरियर, मिड डे मील वर्कर, यूथ इंटक और आशा वर्कर। इसमें हमने जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के लोग थे, सबको गठित करने की कोशिश की और सबकी कार्यकारिणी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए और कार्यकारिणी जिला शिमला और प्रदेश किसान सेल इंटक की बनाई। ये जो जिला शिमला की हमारी कार्यकारिणी बनी जी, ये लगभग 108 सदस्य की है। इसकी प्राथमिकता रहेगी कि गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में, खास करके किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, और जैसे ये आंगनबाड़ी, वाटर कैरियर, मिड डे मील वर्कर, आशा वर्कर, और हमारे जो है, हम बाहर से भी समर्थन दे रहे हैं पीटीए, कंप्यूटर और पैट। बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। जाने से पहले एक बार नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया लोहड़ी और मकर संक्रांति का त्योहार। मंडी लोकसभा सीट उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां हुई तेज, भाजपा व कांग्रेस करने लगी उम्मीदवारों के चयन पर मंथन।
और उद्योग सूचना व जनसंपर्क मंत्री मुकेश अग्निहोत्री पहुंचे हरोली। उन्होंने क्षेत्र की समस्याओं से करवाया अवगत। हिमाचल के ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हिमाचल आजकल के साथ। नमस्कार।